देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ ही रहा है कि अब तीसरी लहर की चेतावनी आ गई है। जी हाँ, साफ बता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। लोगों को इस संभावित खतरे से आगाह किया है सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से ये वायरस बढ़ रहा है उसे देखते हुए तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन ये कब और किस पैमाने पर आएगी इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। राघवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर दो फैक्टर्स की वजह से कम हुई थी। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फिर से फैलने लग गया। वहीं दूसरी लहर में कई फैक्टर शामिल हैं, इनमें कोरोना के नए वेरिएंट भी एक फैक्टर हैं। दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत होती चली गई। वायरस का म्यूटेशन इस तरह आएगा इसका भी अनुमान नहीं था। म्यूटेशन के साथ वायरस के फैलने की क्षमता भी बढ़ती गई। जहां इम्यूनिटी थी वहां वायरस को घुसने का मौका नहीं मिला तो वायरस ने अपना रूप बदला और कम इम्यूनिटी वालों को संक्रमित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपना रूप बदलता है, इसलिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। दुनिया भर में साइंटिस्ट देख रहे हैं कि वायरस किस किस तरह से बदल सकता है और उसी हिसाब से उसे रोकने की तैयारियों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वायरस का कोई भी वेरिएंट हो वो एक ही तरीके से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन यानी इंसान से इंसान में। इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को रोकने के लिए जो भी बिहेवियर जरूरी है उसका पालन करते रहना होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1,00,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। रोजाना के आधार पर कोविड के मामले फिलहाल 2.4% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं।